Hi guys, so in today's video we are going to learn about handshake. So और एक method है password या WPS pin को crack करने का, जो कि है handshake को capture करें. So last video में मैंने आपको बताया था, last कुछ videos में, कि कैसे आप brute force use कर सकते हो. Brute force आप और एक जगह use कर सकते हो. Brute force मतलब 8 बार 0 से लेके 8 बार 9 तक सारे पिन्स ट्राई करना. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे राउटर हम लोग को ब्लॉक कर रहा था. सो ये जब चीज़ करने में अगर राउटर ब्लॉक करता है, मॉडर्न राउटर्स जो महंगे वाले होते हैं, फायरवॉल के साथ आते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है एंड वो ब्लॉक करेंगे आपको. एंड वही काम है उनका करना, क्योंकि तभी वो इतने महंगे एंड कंपनीज़ बड़ी बड़ी वो यूज़ करेंगी. घर के यूज़र्स नॉर्मल वाला यूज़ करेंगे. सो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली बड़ा वाला है. सो नेक्स्ट मेथड है, आप हैंडशेक को कैप्चर करो एंड उसके बाद हैंडशेक को क्रैक करने की कोशिश करो. सो ये वाली मेथड सभी जगह काम आएगी. एंड ये मैं वापस मॉनिटर मोड में डाल देता हूँ वाईफाई को या अपने अडैप्टर को. सो बेसिकली ये वाली मेथड क्या होती है, ये ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक टेस्ट अब समझ लीजिए आपने एक फ़ोन ऑर्डर किया एंड यहाँ पे आपने जो फ़ोन ऑर्डर किया वो डिलीवर अपने कस्टमर को हुआ, बट आपने ये सब चीज़ें, सब एक्टिविटी आपने रिकॉर्ड की, यानी कैसे ऑर्डर जाता है, कैसे होता है एंड क्या क्या, कैसे ऑर्डर डिलीवर होता है, एंड उसके बाद आपने इसके ऊपर सोचा दिमाग लगा के. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल हैंडशेक मतलब नॉर्मल कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे राउटर से एंड उसको कैप्चर करेंगे हैंडशेक को. हैंडशेक मतलब और कुछ नहीं, कनेक्ट करने की कोशिश. एंड एज यू कैन सी WPA2 है मेरा राउटर एंड CCMP साइफर यूज़ कर रहा है, जो कि लेटेस्ट वाला है, एंड WPS2.0 यूज़ कर रहा है. सो यहाँ पे मैंने दूसरा राउटर लगाया हुआ है. सो ये SSID इसका प्रियांक है. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ. एंड जैसे कि मैं बोल रहा था, हैंडशेक मतलब और कुछ नहीं होता, हैंडशेक यानी उसको कनेक्ट करने की कोशिश, यानी बेसिकली जब आपका PC या मोबाइल राउटर को कनेक्ट करने की कोशिश करता है उसको हैंडशेक बोलते हैं. सो अब यहाँ पे हम लोग हैंडशेक को सेव करेंगे WPA2 हैंडशेक करके एंड ये फाइल का नाम दे रहे हैं. सेम कमांड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एरो डंप से हम लोग हैंडशेक को सेव करेंगे एंड यहाँ पे WLAN 0. एरो डंप टूल जो है ये इंपॉर्टेंट है, BSSID इंपॉर्टेंट है, चैनल इंपॉर्टेंट है. अगेन जैसे हम लोग ने पैकेट्स कैप्चर किए थे वैसे हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें लिखेंगे. फिर राइट कमांड से बेसिकली हैंडशेक को सेव करेंगे. सो हम लोग फाइल का नाम देंगे हैंडशेक एंड फिर हम लोग सेव करेंगे. फिर अब यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम रुकना है यानी थोड़ी देर तक रुकना है, 5-10 मिनट आप या आधा एक घंटा रुक सकते हो. सो बेसिकली डेटा जो है ये अगेन आप 1000 के ऊपर जाना चाहिए एंड अगेन आप फेक ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर सकते हो इस केस में. एंड इवन आप क्या कर सकते हो, आप बैकेंस जो है ये भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो. सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पैकेट्स को एंड डेटा को कैसे इंक्रीज़ करना. सो एज़ यू कैन सी डेटा 200-300 जा रहा है एंड ये कब जाएगा, जब यूज़र्स जो है वो या तो सर्व करेंगे, या तो इंटरनेट पे बैठे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, या फिर कब जाएगा, या फिर सेकेंड केस में तब जाएगा जब आप फेक ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे होंगे. सो यहाँ पे मैं भर के नेट यूज़ कर रहा हूँ एंड ये आपको 10,000 के ऊपर चाहिए, थोड़ा टाइम आपको रुकना पड़ सकता है. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम रुका हूँ, आप देख सकते हो कितना टाइम रुका हूँ, हालांकि 2 या 3 मिनट रुका हूँ एंड ऑलरेडी इतना डेटा हमें मिल गया है. सो जब आपका हो जाए तब आप कंट्रोल सी दबा के इसको रुका सकते हो, ये पूरे जो भी हैंडशेक सेव हो रहा है उसको. सो बेसिकली हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने जो भी अमेज़ॉन कैसे डिलीवर करता है वो सारी चीज़ें हम लोग ने एक कैप्चर कर लिया, समझ लीजिए हम लोग ने देख ली पूरा डिटेल में. एंड कितनी बार देखी, तो वो डेटा है उतनी बार देखी, यानी 6081 बार या 6081 बार. सो यहाँ पे हम लोग को पता है कि अब राउटर कम जैसे बात कर रहा है डिवाइसेस से एंड हैंडशेक आपका यहाँ पे सेव हो गया. अब ये हैंडशेक को क्रैक कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बट इतना समझ लीजिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बेसिकली जो जो कैसे काम कर रहा है वो सब एक डब्बे में सेव करके रखा है या फाइल में.